हेलो फ्रेंड्स मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर पर तो फ्रेंड्स आज से मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको रीजनिंग की पूरी सिलेबस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस यानी चैप्टर बाय चैप्टर करके कवर करके दूंगा जो आपके आने वाले किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम जैसे कि आपका कोई भी डिफेंस एग्जाम सी डी एस एफ कैट एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी एस एस आर या कोई भी आपके एस एस सी के एग्जाम जैसे कि सी जी एल एम टी या आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम जहाँ भी रीजनिंग पूछी जाती है उसके हिसाब से हमारा यह सेशन काफ़ी हेल्पफुल आने वाला है तो फ्रेंड्स अगर आप रीजनिंग को बेसिक टू एडवांस चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना चाहते हैं और अपने रीजनिंग के लेवल को एक ऊंचे लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो हमारे डे बाई डे सेशन को जरूर और डेली ज्वाइन करें तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ रीजनिंग का एक बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट जिस चैप्टर का नाम क्या है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट यह चैप्टर आपके रीजनिंग के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट और एकदम बेसिक सा टॉपिक है यानी इसके बिना तो रीजनिंग अधूरी ही है समझो और फ्रेंड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स क्या है अल्फाबेट्स यानी ए बी सी डी से लेकर जेड तक पर रिलेटेड कहानी होती है इन पे ही क्वेश्चंस होते हैं और आपको पता है फ्रेंड्स हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कर भी लेते हैं लेकिन द मेन थिंग इज दैट कि हम क्वेश्चन को कितने सेकंड में सॉल्व करते हैं अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप हमारे रीजनिंग के सेशन को डेली बेसिस पर ज्वाइन करेंगे और हमारा जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स एंड करेगा चैप्टर उसके बाद आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स के क्वेश्चन थ्री टू फोर सेकेंड में आप कर पाएंगे बिना कॉपी पेन के या आप कोई मजाक ना समझे कोई दिखावा ना समझे यदि आप हमारे सेशन को ज्वाइन करेंगे डेली बेसिस पर तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट पता चलेगा तो आप बिना कॉपी पेन के तीन से चार सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स के अगर आप डेली देखेंगे तो हमारे चैप्टर एंड होने तक हमसे बने रहेंगे अपने वर्क को ईमानदारी से करेंगे जो मैं कहूँगा उसे जरूर करेंगे तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स को तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स यानी वर्णमाला पर आधारित समस्याएं मैंने बताया आपको फ्रेंड्स कि हम लोग इन वर्णमाला पर आधारित समस्याओं को एग्जाम में कर लेते हैं क्योंकि हम लोग बचपन से ए बी सी डी पढ़ते आए हैं तो हमको यहाँ सीखना है कि हम क्वेश्चन को विद इन थ्री टू फोर सेकेंड्स में कैसे करें तो अब हमारे सेशन को ध्यान से देखिएगा आपको महसूस हो जाएगी कि कैसे हम तीन से चार सेकंड में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चन को कर पाएंगे तो आपको बता दें कि यह प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स है या एक चैप्टर का नाम है या एक चैप्टर है यानी अध्याय है अब इसके अंदर यह सात टॉपिक्स आते हैं जिनके नाम यहाँ पर मेंशन है टॉपिक नंबर वन है अल्फावेटिकल सीरीज जो कि मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा अल्फावेटिकल सीरीज के बारे में टॉपिक नंबर टू है कोडिंग एंड डी टॉपिक नंबर थ्री है लेटर सीरीज टॉपिक नंबर फोर है पेयर फॉर्मेशन टॉपिक नंबर फाइव है डिक्शनरी टॉपिक नंबर सिक्स है वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक नंबर सेवन है जम्बलिंग ऑफ जम्बलिंग ऑफ लेटर्स तो मैं फ्रेंड्स मैं इसे वन बाई वन करके सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगा और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि टॉपिक नंबर वन से फोर तक आपके बैंकिंग के एग्जाम में पूछी जाती है बैंकिंग के एग्जाम में टॉपिक नंबर वन से फोर तक पूछी जाती है उसके अलावा ये जो सात टॉपिक है ये सातों के सातों टॉपिक आपके किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में सारे टॉपिक पूछे जाते हैं केवल बैंकिंग को छोड़कर बैंकिंग में केवल चार टॉपिक्स यानी अल्फाबेटिकल सीरीज कोडिंग डिकोडिंग लेटर सीरीज रियर फॉर्मेशन तक पूछी जाती है बैंकिंग में इस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स चैप्टर से तो आज मैं आप लोगों के साथ अल्फाबेटिकल सीरीज का चैप्टर डिस्क, टॉपिक डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट का तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज को और फ्रेंड्स अल्फाबेटिकल सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए यानी कि ये या जो हमारे 26 अल्फाबेट्स हैं से लेकर जेड तक तो से लेकर जेड तक के सारे अल्फाबेट्स की प्लेसेस की जानकारी आपको होनी चाहिए यानी कि आपका ए कौन से नंबर पे है बी कौन से नंबर पे है पी कौन से स्थान पे है क्यू कौन से स्थान पे है जेड कौन से स्थान पे है, है जेड का नंबर क्या है ए का क्या है एक नंबर पर आता है जेड कौन से नंबर पर आता है छब्बीसवें नंबर पे जेट आता है तो इन सब प्लेसेस की जानकारी आपको होनी चाहिए अल्फाबेट के प्लेसेस की तभी आप इनके क्वेश्चंस को काफी आराम से कर पाओगे और फ्रेंड्स आगे आने वाली कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि इन अल्फ़ाबेट्स की प्लेसेज को कैसे याद किया जाए अल्फाबेट की प्लेसेज की याद करने की ट्रिक्स क्या है कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें मुझे अपने इंट्रोडक्शन भी देने थे इस कारण से आप थोड़ा कॉरपोरेट करिएगा तो चलिए बताते हैं आपको कि अल्फाबेट्स की, अल्फा की प्लेसेस को कैसे याद किया जाए इस इजोटी इजोटी नाम के वर्ड का सहारा लेंगे जहाँ पर ई e का स्थान होता है फाइव नंबर पे, जे दस नंबर पे, ओ पंद्रह नंबर पे, टी बीस नंबर पे, वाई पच्चीस नंबर पे। तो अब आप पूछें कि सर यह मैंने इजोटी चलो याद कर लिया तो इसमें पी तो है नहीं तो पी को मैं कैसे याद करूँगा तो पी मैं पी को ढूंढूंगा कि पी किसके नजदीक है तो पी ओ के नज़दीक है ओ के बाद पी आता है ओ के बाद कितने नंबर पर एक नंबर पर ओ के बाद एक नंबर पर पी आता है तो P एक नंबर पाता है ओके बाद तो पंद्रह में एक जोड़ देंगे तो सोलह हो जाएगा तो आप सोच रहे कि तो हो कि ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गई ऐसे तो आप कर ही लेते हो अगर कोई भी स्टूडेंट्स हमारे रीजनिंग की सेशन को पहले देखे होंगे कहीं और भी तो तो ऐसे आप कर लेते होगे तो ऐसे आपको नहीं करने हैं मैं आपको इतना टाइम लैप्स नहीं करना बताऊंगा कि आप इसमें ऐड करो फिर करो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ मैं आपसे आपके पंद्रह मिनट मांग रहा हूँ आप मुझे अपना पंद्रह मिनट दो अपनी ईमानदारी से यानी कि आप मेरा जब सेशन एंड करें उसके बाद आप पंद्रह मिनट ईमानदारी से वर्क करना पहले पांच मिनट में आप अपने दस फ्रेंड्स का नाम लिखना जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख रखा है अपने दस फ्रेंड्स का नाम लिखना और उसमें जो लेटर उपयोग किए गए होंगे उसकी कोडिंग उसके नीचे करना है। जैसे कि मेरा नाम राहुल मिश्रा है मैंने नीचे अपने नाम की कोडिंग कर रखी है जैसे कि आर का कोड क्या होता है अट्ठारह नंबर पर आर आता है ए का कोड क्या होता है एक एच का कोड होता है आठ यू का कोड होता है इक्कीस एल का कोड होता है बारह उसी तरह मिश्रा में एम का कोड होता है तेरह आई का कोड होता है नौ एस का कोड होता है उन्नीस एच का कोड होता है आठ आर का कोड होता है अट्ठारह और नौ का कोड होता है एक इसी तरह आप अपने दस फ्रेंड्स का नाम लिखना और उसकी कोडिंग करना और इसमें आपको मुश्किल से पाँच मिनट लगेंगे उसके बाद मैंने आपके पंद्रह मिनट मांगे थे उसके बाद आपके दस मिनट बच गए तो उस दस मिनट में आप एक पैराग्राफ राइट करना अपने कॉपी पे, एक पैराग्राफ दो से तीन लाइन की राइट करना और उसमें जितने लेटर उपयोग किए होंगे उसकी कोडिंग करना उसके बाद पंद्रह मिनट आपके कंप्लीट होते हैं आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पर पाओगे यानी कि आपकी अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद हो गई होगी आप इसे प्रैक्टिकल करना मैं कोई झूठ बात नहीं बता रहा हूं आप इसे खुद प्रैक्टिकल कर लेना ठीक है अब बढ़ते हैं अपने अल्फाबेटिकल सीरीज पर डायरेक्ट क्वेश्चन पे और फ्रेंड्स जो मैं यहां पे आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं उसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना उसके बाद ही क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करना तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच लेटर विल बी सिक्सड टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि इसका आर यानी राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड यानी एल एंड यानी लेफ्ट एंड यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायस नवे के दाए छठा होगा बाईस नवे के दाए छठा अक्षर आपको अंग्रेजी वर्णमाला का बताना है तो फ्रेंड्स ये हमारे ए बी सी डी अंग्रेजी वर्णमाला है और ए बी सी डी की ओर से हमारा लेफ्ट एंड होगा और एक्स वाई जेड की तरफ से हमारा यह राइट एंस होगा यानी कि जो हमारा बाया वह ए बी सी डी का बाया जो हमारा दाया वह ए बी सी डी का दाया तो अभी क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि यह क्वेश्चन एक्चुअली रूप से क्या कह रहा है तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से नमा तो बाएं से नमा यह देखिए बाएं से नमा यहाँ तक आए मान लीजिए यहाँ तक आया उसके बाद बोल रहा है कि दाएं छठा इसके दाएं छठा तो इसके दाएं छठा तो, तो आगे बढ़ेगा तो यह लेटर यहाँ पे कोई लेटर होगा अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर होगा तो फ्रेंड्स इस तरह से तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में लेकिन एग्जाम में करेंगे तो हमारे दस से पंद्रह सेकेंड जरूर कंज्यूम हो जाएंगे तो इस तरह से क्वेश्चंस को नहीं करने हैं तो मैं बताता हूँ क्वेश्चंस को करने कैसे हैं अब क्वेश्चंस को फिर से पढ़िए चलिए पहले मैं इसको इंग्लिश में भी समझा देता हूँ कि इंग्लिश में क्वेश्चंस क्या कर रहा है क्वेश्चन है लेटर विल बी ऑफ द राइट ऑफ यानी ऑफ ऑफ द राइट किसके नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द राइट ऑफ यानी नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पहले चलेंगे ना नाइन्थ तक चले उसके बाद बोला है सिक्स ऑफ द राइट यानी कि नाइन्थ के सिक्स राइट right चलना है तो यह भी सेम आ गया हिंदी इंग्लिश में भी आपको समझा दिया मैंने अब देखिए अब आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे वह क्या राइट right से लेफ्ट होंगे नहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन या तो राइट right से राइट right भी हो सकते हैं या लेफ्ट से लेफ्ट हो जाएंगे या लेफ्ट से राइट right होंगे या राइट right से लेफ्ट होंगे यहाँ पे लिखा है ना राइट ऑफ द नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड यानी सिक्स टू द राइट ऑफ द नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड तो क्या आपके एग्जाम में केवल राइट right और लेफ्ट ही पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में राइट right, राइट right भी पूछेगा लेफ्ट लेफ्ट भी पूछेगा लेफ्ट राइट भी पूछेगा और राइट लेफ्ट भी पूछेगा तो आपको बता दें कि यदि राइट राइट पूछेगा तो माइनस होगा लेफ्ट लेफ्ट पूछेगा तो वहां भी माइनस होगा राइट लेफ्ट पूछेगा तो प्लस होगा और राइट लेफ्ट सॉरी लेफ्ट राइट पूछेगा तो प्लस होगा और राइट right, लेफ्ट भी पूछेगा तो भी प्लस होगा अब फिर से क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन क्या बोला विच लेटर विल बी सिक्स

जेड से ए तक चलेंगे सॉरी ए से जेड तक चलेंगे तो लेफ्ट हैंड हो जाएंगे और जेड से ए तक चलेंगे तो यह राइट right हो जाएंगे राइट right एंड हो जाएंगे ठीक तो यह जो पंद्रह है यह हमारा किस एंड से मैं पंद्रह को काउंट करूं यदि ए से पंद्रह काउंट करेंगे तो कुछ और नंबर आ जाएगा और जेड से पंद्रह काउंट करूंगा तो कोई और लेटर आ जाएगा तो मुझे किस एंड से काउंट करना है इसके बारे में बताता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि यहां पे जो भी लास्ट में होगा क्वेश्चन में देखिए राइट सिक्स टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यहाँ पे जो भी लास्ट में होगा उसको लिखेंगे तो राइट right, राइट right में लास्ट में कौन है राइट right. तो राइट लिखाएगा माइनस करने के बाद लेफ्ट लेफ्ट में लास्ट में कौन है लेफ्ट माइनस करने के बाद सेम है तो लेफ्ट लिखाएगा लेफ्ट राइट में लास्ट में कौन है राइट right. तो प्लस करने के बाद राइट right लिखाएगा और राइट right, लेफ्ट में लास्ट में कौन है लेफ्ट तो यह भी प्लस करने पर लास्ट में लेफ्ट लिखाएगा तो यह क्या है क्वेश्चन में सिक्स टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड तो यह लास्ट में क्या है लेफ्ट हैंड तो यहां भी लेफ्ट एंड पंद्रह से लेफ्ट एंड का पंद्रहवा लेटर होगा हमारा जो आंसर होगा तो अभी मैंने आपको इजोटी की प्रैक्टिस कराई थी इजे ओ टी वाई इजोटी तो इजोटी में यह क्या था पांच यह क्या था दस यह क्या था पंद्रह यह बीस और यह पच्चीस तो पंद्रहवें नंबर पर कौन सा लेटर आ रहा है हमारा ओ पंद्रहवें नंबर पर कौन सा लेटर आ रहा है ओ तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ओ हमारा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा लेटर विल बी सिक्स टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड होगा इंग्लिश अल्फाबेट का वह लेटर हो जाएगा ओ तो ये क्वेश्चन को आपने इंग्लिश में समझा अब मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में बता रहा हूँ आपको अब हिंदी में क्या कंडीशन हो सकते हैं तो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़िए हिंदी में क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाय से नमे के दाए छठा होगा तब इसमें क्वेश्चन को उलट दिया है वहां पर पहले राइट right थी परंतु यहाँ पे पहले लेफ्ट है ठीक तो यहाँ पे भी चार कंडीशन बनेंगे या तो दाया दाया होगा या बाया बाया होगा या बाया दाया होगा या दाया और बाया होगा तो दाया और बाया होगा तो इंग्लिश में क्या था तो इंग्लिश में हमने लिखा था जो लास्ट में होगी उसको मैंने लिख दिया था लेकिन हिंदी में जो पहले होगा उसको लिखना है लास्ट में तो जो मैंने बताया आपको कि जो सेम होगा उसमें माइनस तो इसमें भी दाया दाया होगा क्या सेम होगा माइनस होगा और पहले क्या है दाया है तो यह दाया लिखाएगा यानी राइट लिखाएगा फिर यह बाया बाया आप इसे हिंदी में जूम करो बाया बाया सेम है तो माइनस होगा और जो पहले है वह पहले लिखाएगा तो लेफ्ट लिखाएगा फिर लेफ्ट राइट यानी कि बाया और दाया बाया दाया में प्लस होगा क्योंकि अलग है और जो पहले है वह पहले लिखाएगा तो इसमें पहले कौन है यह लेफ्ट है तो यानी बाया पहले लिखाएगा फिर यहा दाया बाया हिंदी में मैं बता रहा हूँ आप कॉपी पर नोट कर लेना क्योंकि वीडियो की लेंथ तो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इतना लिख नहीं सकता तो अब थोड़ा कॉर्पोरेट करना तो यहाँ दाया और बाया है तो पहले क्या है दाया तो यहाँ पर दाया लिखाएगा और प्लस होगा तो आप समझ गए होंगे हिंदी में भी तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से नमे के दाएं छठा होगा तो बाएं से नमे दो अलग अलग कंडीशन आ गए बाएं दाएं आ गए तो बाएं दाएं आ गए तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा एड हो जाएगा और हिंदी में क्या करना है हिंदी में जो पहले होगा उसी को लिखना है तो पहले क्या है बाएं बाएं अर्थात लेफ्ट लेफ्ट से पंद्रहवाँ लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का कौन होगा तब लेफ्ट से पंद्रहवा लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का ओ होगा चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू पहले चलता हूं आपको वहां पर आपकी और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी आप बने रहे हमारे वीडियो में अब uh, फ्रेंड्स आप बिना कॉपी पेन उठाए अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझे तो फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखें और बिना कॉपी पेन उठाए क्वेश्चन नंबर दो को पहले वीडियो पॉज करके करें क्वेश्चन नंबर दो करा है सेवेंथ टू द राइट ऑफ टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिखा है कि सेवेंथ टू द राइट ऑफ टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फिर से क्वेश्चन देखिए सेवेंथ टू द राइट ऑफ टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्वेश्चन को शॉर्ट में मैंने लिखा है तो यहाँ पर भी क्या आ गया यहाँ पर राइट right और लेफ्ट दो अलग अलग कंडीशन आ गए दो अलग अलग आ गए तो क्या होता है राइट लेफ्ट दो अलग, अलग अलग आते हैं तो प्लस होता है तो सेवन टू द राइट ऑफ टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड तो सेवन टू द राइट अब फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो यहाँ एड होके दस और सात कितना हो जाएंगे सत्रह सत्रह कहां से जो लास्ट में रहता है इंग्लिश अल्फाबेट में इंग्लिश वाले क्वेश्चन में जो लास्ट में रहता है उससे लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड से सत्रह सत्रह नंबर लेटर लेफ्ट हैंड से क्या होता है तो लेफ्ट हैंड से सत्रह नंबर लेटर क्यों होता है अब आइए क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं क्वेश्चन हिंदी में करा है कि बाएं से दसवें के दाएं सातवां यानी बाएं से दसवें के दाएं सातवा यहाँ पर भी दो अलग अलग कंडीशन आ गए बाएं और दाएं तो बाएं और दाएं आए तो क्या होगा जुटेगा जुड़ जाएगा जुड़कर क्या बना सत्रह और हिंदी में जो पहले रहता है उस एंड से हम लेटर को लिखते हैं तो पहले क्या है बाएं यानी लेफ्ट लेफ्ट एंड से लिखेंगे तो लेफ्ट एंड से सत्रह क्या हो जाएगा लेफ्ट एंड से सत्रह नंबर हो जाएगा क्यू तो मैं बोलता हूं कि आप क्वेश्चन को इंग्लिश में ही ज्यादा समझे क्योंकि हिंदी से ज्यादा बेटर इंग्लिश में समझना है इस रीजनिंग के चैप्टर्स को क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ थर्टींथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड यानी कि बाएं से तिरहबे के बाएं चौथा क्या होगा अब यहां पर देखिए सेम कंडीशन आ गया यहां भी लेफ्ट यहाँ भी लेफ्ट एंड तो सेम कंडीशन में क्या करना है घटा देना है और इंग्लिश में जो हम घटाएंगे यह पीछे वाले में से आगे वाले को घटाएंगे यानी कि तेरह में से चार को घटाएंगे तो तेरह में से चार को घटाएंगे तो क्या होगा हमारा नौ हो जाएगा और नौ किस एंड से होगा लेफ्ट एंड से और लेफ्ट एंड से अगर आपने मेरी पंद्रह मिनट की मैंने आपको बताया था कि पंद्रह मिनट आप वीडियो को पॉज करके उस प्रैक्टिस को करो उसके बाद कंटिन्यू करो तो आपको पता होगा कि लेफ्ट एंड से नौ नंबर पर जो होता है आई होता है इजोटी इजोटी में भी जे दस नंबर पर होता है जे से पहले आई आता है जे से कितने पहले आ जाता है एक पहले और एक कितना होगा दस में से एक जाएगा नौ तो इसका राइट आंसर इस हो जाएगा क्या आई हो जाएगा कि अब चलिए इस क्वेश्चन को फिर से हिंदी में सॉल्व करवाता हूँ आपको तो क्वेश्चन है बाएँ से तेरह के बाएँ चौथा तो बाई से तेरह में सेम कंडीशन सेम कंडीशन में माइनस थर्टीन माइनस फोर तेरह माइनस चार नौ और हिंदी में पहले वाला से कोई एंड से लिखते हैं तो नौ बाएँ एंड से यानी लेफ्ट एंड से तो नौ लेफ्ट एंड से नौ वाला लेटर हो जाएगा हमारा आई क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर आप खुद से सॉल्व करिएगा मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना उसके बाद आप वीडियो को प्ले करना क्वेश्चन नंबर फोर है फिफ्थ टू द लेफ्ट अप टेंथ फ्रॉम द राइट एंड क्वेश्चन अगर आपको समझने आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर वन में आप ऐड कर लेना है क्वेश्चन नंबर वन की तरह इसे मैं बोल देता हूँ कि विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट अप टेंथ फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज यानी आपको बताना है कि दाएँ से दसवें के बाएँ पाँचवा लेटर कौन होगा और कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी हमारे भाई बहन इसका आंसर वो नहीं देंगे और कोई भी स्टूडेंट इसका आंसर के नहीं देंगे अब आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा कुछ से बना होगा कुछ से नहीं बना होगा अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन बोल रहा है फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ टेंथ फ्रॉम द राइट एंड तो लेफ्ट और राइट यहाँ दो कॉम्बिनेशन आ गए अलग अलग आ गए तो अलग अलग में क्या होता है जुड़ता है तो अलग अलग में जुड़ेगा तो दस और पाँच पंद्रह हो जाएगा पंद्रह हो गया अब जो बोल रहा है इंग्लिश में होता है जो बाद में होता है उसी को हम लिखते हैं उस एंड से हम लिखते हैं तो राइट एंड यानी पंद्रह राइट एंड से लिखना है तो ए बी सी डी मैंने आपको बताया कि ए से लेकर जेड तक लेफ्ट हैंड की तरह काउंट होगा और जेड से ए तक राइट हैंड की तरह काउंट होगा अब मैंने आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए बोला था वह ए से जेड तक यानी लेफ्ट टू राइट करने के लिए बोला था न कि राइट टू लेफ्ट तो आपको तो लेफ्ट से राइट याद होगा और राइट से लेफ्ट याद नहीं होगा कि जेड से पंद्रहवा स्थान इस साइड में कौन सा होगा तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको भी आप लेफ्ट एंड में कन्वर्ट कर लीजिए अब लेफ्ट एंड में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा तो लेफ्ट एंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसके ऐड करके कितने है? 15 हैं? पंद्रह हैं। पंद्रह को सत्ताईस में से माइनस कर लेंगे हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं ट्वेंटी सिक्स हैं तो उल्टा काउंट करने के लिए यानी राइट से काउंट करने के लिए इसमें प्लस एक करके माइनस कर देंगे जितने हमारे माइन लेटर चाहिए उतने को तो प्लस एक सत्ताइस हो गए और पंद्रह फ्रॉम द अब यह लेफ्ट एंड में चेंज हो जाएगा किस एंड में लेफ्ट एंड में चेंज हो जाएगा तो पंद्रह सत्ताईस में से पंद्रह जाएगी तो क्या बचेगा सत्ताईस में से पंद्रह जाएगी तो बारह बचेगा सत्ताईस में से पंद्रह जाएगी तो कितना बचेगा बारह बारह में क्या होता है बारह में हमारा होता है एल इजोटी जे दस पर के एल बारह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा एल अब ये आप कंफ्यूजन में होगा कि हम सत्ताईस में से यानी छब्बीस में एक जोड़कर ही क्यों माइनस करेंगे मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई लिखा मैंने तो देखिए यहाँ पर जो सी है वह लेफ्ट एंड से तीसरे नंबर पर है सॉरी मैं इसे कट करके एफ बढ़ा देता हूँ तो सी है लेफ्ट एंड से तीसरे नंबर पर है और यह राइट एंड से कौन से नंबर पर होगा तो राइट right एंड से चौथे नंबर पर होगा

छह में एक जोड़ेंगे कितने होंगे सात सात और सात में यह चार घटा देंगे सात में चार घटाएंगे कितने आया तीन तो राइट हैंड से सी कितने नंबर पर आया तीन जो कि यह आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि इसी कारण एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त करने के कारण हम उस छब्बीस में एक जोड़कर सब्ट्रैक्ट करते हैं अब इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है और फ्रेंड्स आप उसी तरह इस क्वेश्चन को हिंदी में भी कर सकते हैं तो मैं पहले करवा देता हूं इसे तब बढ़ूंगा फाइव ओर तो दाएं से दसवें के बाएं पांचवा दाएं बाएं आ गया जुड़ जाएगा कितना होगा पंद्रह हिंदी में पहले वाले को पहले लिखते हैं यानी दाएं को पहले लिखेंगे तो दाएं यानी राइट एंड हो जाएगा और राइट एंड से मुझे नहीं पता है कि यानी जेड की ओर से पंद्रह अक्षर कौन होगा तो हम इसे लेफ्ट एंड से कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट एंड से कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे सत्ताईस में से पंद्रह को घटा देंगे कितना आएगा बारह बारह किस एंड से लेफ्ट एंड से लेफ्ट एंड से बारह हमारा क्या होता है लेफ्ट एंड से बारह होता है एल हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा एल क्वेश्चन नंबर फाइव है थर्ड टू द राइट ऑफ ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट एंड फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में नहीं कराऊंगा वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो इसमें बताना है कि आपको दाए से बारह होवे की दाएं तीसरा right right right, right, यानी थर्ड टू द राइट ऑफ ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट एंड राइट राइट आ गया माइनस होगा यानी बारह माइनस तीन कितने होंगे नौ और किस एंड से राइट right एंड से हो गए तो राइट right एंड से हमें नहीं पता है। फिर क्या करेंगे सत्ताईस में से नौ को घटाएंगे अब यहाँ राइट right को क्रॉस कट करेंगे और यहाँ पर लेफ्ट एंड लिखेंगे अट्ठारह आएगा अट्ठारह किस एंड से लेफ्ट एंड से और लेफ्ट एंड से हमारा अट्ठारह होता है आर जो कि हमारे नाम का पहला अक्षर है आर यानी राहुल मिश्रा उस तरह चलिए मैं हिंदी में भी करा दे रहा हूं तो बाएं से बढ़ावे के दाएं तीसरा बाएं सॉरी दाएं से बढ़ावे के दाएं तीसरा दोनों सेम आया सेम आने पर घटेगा और हिंदी में पहले वाले को लिखते हैं तो यह राइट एंड से हो जाएगा राइट एंड से मुझे काउंटिंग नहीं आती है तो इसे लेफ्ट एंड में कन्वर्ट करेंगे सत्ताईस माइनस नौ करेंगे और किस एंड से होगा लेफ्ट एंड से होगा कितना आएगा 18 अट्ठारह किस एंड से लेफ्ट एंड से यानी ए बी सी डी की एंड से 18 अट्ठारह पर क्या होता है अट्ठारह पर होता है हमारा आर यानी आर से राहुल मिश्रा तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के रीजनिंग के टॉप फाइव क्वेश्चन अगर आपको पसंद आएगी तो मैं इस वीडियो के सीरीज को कंटिन्यू करूंगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी क्या आपकी इसकी दूसरी पार्ट चाहिए क्या आपकी रीजनिंग की होल सिलेबस आपको चाहिए अगर चाहिए तो कमेंट जरूर करना तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अपने अगले रीजनिंग के सेशन के साथ या उससे पहले आपकी मुझसे मुलाकात होगी मॉर्निंग में चार पचास ए एम पर चार पचास ए एम पर मैं आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराता हूं जो कि आपके आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताएं तो चलिए धन्यवाद मिलते हैं फिर अपने कल के सेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम